हे एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ यार बढ़िया हो गया, आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए। और ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है आज, क्योंकि यार मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली पहले जीनू की ठीक नहीं थी, उसका फीवर था, उसके बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रही थी। मतलब क्या ही बताऊँ, बस हाथ पैरों में बहुत दर्द था, बैक में पेन था, बस क्या क्या बताऊँ क्या क्या था मुझे। तो इसलिए ब्लॉग जो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया, मन ही नहीं किया बिल्कुल भी ना। बना तो रखा मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग, बट एडिट करके पोस्ट ही नहीं कर पाया ये। और तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैंने बनाया आज राजमा की सब्ज़ी, छौंकने जा रही हूँ। और सबसे पहले सुबह बनाया था हलवा, जीनू को दिया एक्चुअली मैंने सैंडविच सब। आज बहुत सारा कुछ ना कुछ बनाया मैंने अलग अलग। जीनू को सैंडविच लेके जाना था तो उसको वो दिया पहले, उसके बाद फिर नाश्ते के लिए हलवा बनाया। और चने जो है ना कल के रखे थे, कल बॉईल किए थे मैंने, तो मैंने ना खाए नहीं थे चने, तो मेरा मन नहीं होता पता नहीं क्यों। चने ना कुछ वैसे लगने लग गए मुझे आजकल, अच्छे नहीं लगते हैं उबले हुए, नॉर्मल से चने अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने रख दिए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो आज इनको थोड़ा सा फ्राई करके ना हलवे में मिला लेते हैं। हलवे चना हलवा बहुत अच्छा लगता है ना, हस्बैंड का तो फेवरेट है, तो थोड़े मैंने उनको दिए, फिर थोड़े मैंने भी ले लिए थे उसी में से, और हलवे में डाल के खाए तो बड़े अच्छे लगे थे। उसके बाद राजमा की सब्ज़ी बनाई, रोटी पैक करी इन सबको। पापा जी तो चले गए और हस्बैंड जो है इनका भी लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ, नाश्ता उन्होंने कर ही लिया था। मैंने सोचा कुछ और भी बना रही थी तो सैंडविच उन्होंने थोड़ा सा लिया था, बाकी हलवा खा लिया था। और बस इनका लंच बॉक्स पैक हो चुका है, बाद में फ्रूट और सैलेड वगैरह सब कुछ जो है अच्छे से मैं पैक कर देती हूँ। खाना तो अच्छे से ही खाना चाहिए ना, तो इसलिए हस्बैंड को ही मैं बढ़िया से पैक करके देती हूँ। खुद नहीं खा पाती हूँ मैं, आपको पता है फ्रूट्स वगैरह नहीं खा पाती हूँ, बट जो ऑफिस जाते हैं ना बंदे या स्कूल जाते हैं तो उनका टाइम एक सेट हो जाता है कि हाँ इस टाइम पे लेना ही लेना है। बट हम लेडीज़ का क्या होता है कि हम लोग काम ख़त्म करना होता है, फिर बच्चे को स्कूल से लेके आना है, फिर उसको खिलाना है, चेंज करना है, तो इन सब में क्या होता है ना कि फ्रूट का जो टाइम है वो निकल ही जाता है। तो कई बार मेरे साथ तो ऐसे होता है, मतलब मैं ले ही नहीं पाती हूँ। अगर ये लोग घर पे होते ना तो साथ में काट के खा लेते हैं, बट वैसे जो है मेरे फ्रूट जो है स्किप हो ही जाते हैं। मैं सोच रही हूँ यार अपना रूटीन भी सेट करूँगी, क्योंकि मैं ना अच्छी डाइट नहीं ले पा रही हूँ अभी, तो देखते हैं अपना भी सेट करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनी एंड ज्योति व्लॉग। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होगे, एकदम मज़े में होगे, फुर्तीले होगे, क्योंकि मैं बिल्कुल फुर्तीली नहीं हूँ भाई। कभी कभी ना ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि बॉडी काम ही नहीं करी, भाई लेट जा कुछ मत कर, ऐसा लगता है, बट ऐसा हो नहीं सकता है भाई। हम जिम्मेदार इंसान है ना, एक हाउसवाइफ कैसे आराम कर सकती है। तो बस काम में लगी पड़ी हूँ सुबह से, सुबह को उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आज, बस क्या ही बताऊँ, बट उठना तो पड़ता है ना। जीने को स्कूल भेजा, एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके, उसके पैर में फिर पेन स्टार्ट हो गया था, बुखार है ना यार, तो थोड़ी वीकनेस आ गई तो धीरे धीरे जाएगी, तो चलने में दिक्कत हो रही थी उसको, बट मैंने भेज दिया क्योंकि एग्ज़ाम था। वैसे तो मैं छुट्टी भी करा लेती उसकी, बट एग्ज़ाम था इसलिए भेजना पड़ा उसे। सब लोग चले गए, मेरा भी काम ख़त्म हो गया, झाड़ू पोछे सब हो गए, साफ़ सफाई, बर्तन वर्तन सब हो गए। और रोटियाँ तो मैंने मॉर्निंग में ही सेक दी थी आज लंच के लिए, तो दो दो रोटी सेकी हैं, क्योंकि बनेंगे चावल, राजमा के साथ चावल अच्छे लगते हैं मम्मी को भी मेरे को भी, तो चावल बनाने जा रही हूँ मैं, अभी भिगो के रखी हूँ, थोड़ी देर बाद डालूंगी और उसके बाद चीनी मैडम को स्कूल से लेके आऊँगी। तो भैया ये है रूटीन, उसको लेके आऊँगी, खाना वाना खाएंगे हम लोग, देन थोड़ी देर लेटूंगी, रील बनाऊँगी एक रील तो अपलोड कर दी, एक और बनानी है, एक कोलैबोरेशन की है तो वो भी मेरे को बनानी है। उसके बाद देन थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा बॉडी को, बहुत दर्द हो रहा है हाथ पैरों में ना, जान सी निकल रही है, पता नहीं कभी कभी ना ऐसा लगता है कि बस भाई आराम करो, लेटे रहो, कुछ मत करो ना, बोल बातें करो किसी से ना, कुछ करो। जब तबीयत वैसी होती ना, मतलब मन नहीं करता कुछ बातचीत करने का या कुछ करने का ना, काम बट कोई नहीं, ऐसा कब तक चलेगा, है ना, काम पे तो लगना है भाई, काम तो करना है, काम के बिना कुछ नहीं है। एंड यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक का बटन है नीचे, लाइक कर दो, है ना, लाइक नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब भी करना भूल गए हो शायद, सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए भाई, अभी मैंने टी शर्ट वगैरह ही डाल रखी, अभी चेंज करूँगी, कुर्ती डालूंगी, क्योंकि सुबह को बस सब ना ख़राब हो जाते हैं कुर्ती, ये देख रहे हो दाग धब्बे लग गए यहाँ पे, खाना वाना बनाओ ना सब गंदे हो जाते हैं कपड़े, तो जीनू को लेने आते तो मुझे चेंज करनी पड़ती है कुर्ती, फिर तो मैं अब दोबारा से चेंज करूँगी। एप्रिन रखा हुआ यार, एप्रिन ना पहनती नहीं हूँ मैं क्योंकि गर्मी लगती है, अब तो खैर मौसम ठीक आ रहा है तो अब तो पहना करूँगी खाना बनाते टाइम, वैसे अभी तक क्या उसमें गर्मी लगती है बहुत, तो इसलिए पहन मन नहीं करता।
ये कंफर्टेबल लगता है मुझे, लोअर टी शर्ट, काम भी अपना आराम से हो जाता है। और चलो बातें करते हैं बाद में। 11 बज चुके हैं, कपड़े लेते देखो कैसे फैले पड़े हैं, अभी हटाए सारे कपड़े, सूख गए हैं। बाहर से अच्छा तो कपड़े पता है घर में सूख जाते हैं पंखे की हवा में, बाहर रेलिंग पर टांगे रखो तो कपड़े सूखते ही नहीं है। और कल भी पूरे दिन रात में ही बारिश हुई है, बारिश ही हुई है कल तो, पूरे दिन बारिश हुई है। तो अभी मैंने उतारे कपड़े ये और बाकी कपड़े डाल के आई हूँ, अभी धुल गए मशीन में वो डाल के आई हूँ। कपड़ों का भी अलग ही फजीत है वो। चलिए भैया चावल डाल देती हूँ, चावल देखो मैंने भिगो के रख दिए थे, और क्योंकि मम्मी को खाना देते हुए जाऊँगी मैं, चावल भिगो दिए, बस पानी रख दिया, चढ़ाना है मेरे को बस चावल। गाइस तो यार आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू के लड्डू। मैं सोचा सत्तू के लड्डू बनाते हैं प्रोटीन वाले, उसमें थोड़े मैं सीड्स वगैरह भी ऐड कर दूंगी और ड्राई फ्रूट तो ऐड करने ही करने। तो चलिए बनाते हैं, हस्बैंड ने भी मंगाए थे कुछ टाइम पहले उसके चने के जो सत्तू होते हैं ना उसी के लड्डू थे। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? अच्छा जीनू का टीथ आ रहा है इसलिए उसके साइड में दर्द हो रहा है, सही हो जाएगा। चलो प्रैक्टिस करो आप, जाओ कल एग्जाम है जीनू का। हाँ बर्फी मंगाई थी हस्बैंड ने हल्दीराम से, चने की बर्फी मंगाई थी तो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, तो मैं सोचा चलो भाई उनके लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। और सत्तू रखा ही है चने का सत्तू, तो उससे बनाते हैं लड्डू। बर्फी बनेगी तो बर्फी देखती हूँ, एक ही बात है, चाहे बर्फी बना लो चाहे लड्डू बना लो। तो बस मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें लगाते हैं देसी घी। घी में ना खूब सारा घी लगा इसमें, और मैं ना शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी इसकी, इसमें पूरी रेसिपी जो है वो हो जाएगी शेयर। व्लॉग में मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दूंगी ऐसी। अभी इसको ना अच्छे से मेरे को भूनना है 15 मिनट तक हल्की गैस पे। देखो यार जो बेसन होता है ना, बेसन को भूनने की जरूरत जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि वो कच्चा होता है, बट ये ऑलरेडी भुने हुए चने हैं उसका सत्तू है, तो इसको इतना भूनने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट तक इसको पकाएंगे, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बूरा, क्योंकि मेरे पास बूरा एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो चीनी आप डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो इसमें, बट गुड़ से ना हमारे घर में कोई खाएगा नहीं, मतलब इतना टेस्ट भी नहीं लगता हस्बैंड को गुड़, तो इसलिए फिर मैं सोच रही इसमें ना बूरा ऐड कर दूँगा। वहाँ पर बन रहे हैं लड्डू गर्मा गर्म प्रोटीन वाले लड्डू, आप लोग भी खा लीजिए आके, आप लोगों को दिखाएंगे ठीक है, आप खा के देखोगे। अभी थोड़ा सा गर्म है, और यहाँ जीनू ना उसको थोड़ा सा चेक करी थी चाट के, तो मैंने उसको मना किया, उनका बेटा झूठा मत करो भोग वगैरह लगता है, तो उसने उसको अलग से दे दिया था खाने के लिए, तो फिर उसने वो खाया तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों का होता ही है ना कि हर चीज़ में मम्मा की हेल्प करवानी है, तो मेरे साथ हमेशा वो बैठ जाती है हेल्प करवाने के लिए। तैयार लड्डू सारे भेजा नीचे भोग लगाने के लिए ले गई वो, और मेरे को यार पता नहीं क्या एकदम से खड़ी हुई ना मैं, तो मेरा सिर घूम गया एकदम से, चक्कर आने लग गया, जैसे झुक के उठाया ना कोई चीज़ तो एकदम से चक्कर आने लगे, पता नहीं क्या हो गया। अभी तो मैं एकदम बढ़िया थी और एकदम से फील हो रहा है कि चक्कर आने स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई पूरे में, सत्तू हो गया था। जब कोई चीज़ ऐसी बनाओ ना मिठाई विठाई या कुछ, तो थोड़ा चिकनापन सा हो जाता है फ्लोर पे ना, घी वगैरह थोड़ा बहुत लग ही जाता है कितना भी बचाओ। तो वही साफ किया मैंने, और जैसे साफ किया ऐसी खड़ी हुई हूँ वैसी, फिर घूमना हो गया स्टार्ट। थोड़ी देर लेटती हूँ मैं, फिर मिलते हैं आपसे।
और थोड़ा सा आराम करने का दिया। शाम को मेरा सिर थोड़ा सा ठीक था, बट भारी भारी अब भी था, एकदम चक्कर से नहीं आ रहे थे बट रुक के चक्कर आ रहे थे। मतलब थोड़ी देर मैं किचन में खड़ी रही थी जब रोटी वोटी उन्होंने सब सेक दी, उसके बाद मेरे को चक्कर आना जो है स्टार्ट हो गए थे दोबारा से। तो मैं ना यार दवाई बहुत कम लेती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा जब अर्जेंट होता है ना मुझे तभी लेती हूँ, अदरवाइज मैं सोचती हूँ ठीक हो जाएगा ऐसे ही, तो ज़्यादा बेटर है। दवाइयाँ बहुत कम लेती हूँ मैं, मेरे को अच्छी नहीं लगती हूँ, ऊपर से मतलब मन नहीं करता जल्दी लेने का। और एक और बात बताऊँ यार, मैं ना मतलब ज़्यादा देर लेट नहीं सकती हूँ, मतलब जब जिम्मेदारी अपने ऊपर होती है ना तो मैं ये सोचती हूँ यार क्यों किसी को मतलब परेशान करो, जो भी है मम्मी से इतना हो नहीं पाता है, तो मैं सोचती हूँ यार कैसी भी तबीयत हो, जब तक मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए ना तब तक मैं लेटती नहीं हूँ, मैं लगी रहती हूँ किचन में, चाहे कुछ भी हो रहा हो मेरी बॉडी में पेन हो या जो भी हो, बट मैं सोचती हूँ यार नहीं कर देती हूँ कि क्यों किसी को परेशान करना है ना। मैं किसी को जल्दी से परेशान नहीं करती हूँ, ना किसी को बोलती हूँ कुछ करने के लिए, चुपचाप अपना काम जो करती रहती हूँ, मुझे पता है कि मुझे ही करना है जैसे तैसे जैसे भी करना है। एंड टचवुड हस्बैंड इतने अच्छे मिले हैं ना, भगवान करे कि ऐसे हस्बैंड सबको मिले, कि उनको जब दिखता है ना मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ भी, तो वो सीधा यही बोलते हैं कि रहने दो, बाहर से ऑर्डर कर देंगे, बाहर से मंगा लेंगे खाना। बट मैं सोचती हूँ यार क्यों ही इतना पैसा वो करना ना, सबके लिए मंगाओ तो फिर पैसा जो है ज़्यादा ही खर्च हो जाता है, तो उस चक्कर में। और वही बाहर का आपको सीन पता ही है कि बाहर का हमेशा तो नहीं खा सकते ना, तबीयत का तो लगा ही रहता है। बस जब लेडीज़ की एक उम्र हो जाती है ना तो बॉडी में ना बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर एक्सरसाइज और अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी अपनी डाइट जो है अच्छी करने की सोच रही हूँ। यहाँ शाम का खाना बना था, वर्मा बैंगन बनाया है, दाल बनाई है, वर्मा टमाटर बनाया और दाल बनाई है, इधर आटा लगा रही हूँ, फिर आटा लगा के रोटी सेकी। चलिए भाई आज का ब्लॉग करते हैं पेंड, आपसे कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।